श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 मई मंगलवार, ये ज्येष्ठ मास का अंतिम बड़ा मंगलवार है। इस दिन आप हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उपाय कर सकते हैं। इस दिन आपके घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही है, आपका दुर्भाग्य साथ, आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है, घर परिवार में उन्नति नहीं हो रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो आप इसके लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो ये अंतिम मौका है इस साल का, जो जिस दिन आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो बालाजी की कृपा प्राप्त करने का अंतिम मौका है, इस दिन आप उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं तो बालाजी इस दिन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर अपनी कृपा करते हैं। तो इसके लिए आपको लेनी होगा एक सिक्का और मात्र 31 काली मिर्च के दाने, और काली मिर्च के दाने एक लाल कपड़े पे रखने हैं और इनकी एक इस तरह से पोटली बना लेनी है, और एक दिन लेना है चमेली के तेल का दीपक, और ये आप लेके जाए हनुमान जी के मंदिर और उसमें एक लौंग डाल दें और ये वहाँ प्रज्वलित करें, और ये जो पोटली बनाई है बालाजी के पैर से छुआ दें, छूकर आप अपने इसे घर ले आए और अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में बरकत आएगी, लक्ष्मी का आवागमन आपके घर में होगा और आपके घर में खुशहाली छा जाएगी। इस दिन आप लाल कपड़े पहने और मंदिर जाएं और एक लाल ध्वजा जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ हो आप बालाजी के मंदिर में अर्पित करें, और इसे और या किसी और अपने घर में ऊपर छत पर आप इसे फहरा दें। इससे आपके जो मंगल ग्रह मजबूत होगा और कि आपके काम बनने लगेंगे, आपके कार्य में विघ्न बाधाएं होगी जो बालाजी उनको दूर कर देंगे, क्योंकि एक बार बालाजी को वरदान मिला है कि वो भक्तों के संकट को दूर करेंगे, इसीलिए उनका नाम संकट मोचन पड़ा है। तीसरा उपाय आपको करना है, आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, एकदम स्वच्छ होने चाहिए, कटे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इनको अपने एक सर के ऊपर से 7 बार उल्टी घड़ी की दिशा में घुमाएं और चौराहे पे जाके उनको एक एक करके चारों दिशाओं में फेंके, बाकी आप ऐसे अपने ऊपर हवा में फेंक दें बाकी जो बचे दाने, और फिर आप सीधे घर चलाएं। इससे आपका दुर्भाग्य है दूर हो जाएगा और सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो रही है वो सब दूर हो जाएगी, और कर्जा ज़्यादा बढ़ गया है और परेशान रहते हैं दिन रात, तो आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और उसमें 5 काली मिर्च लेके आपको बालाजी के मंदिर जाना है, और वहाँ पे आप इसको प्रज्वलित कर दीजिए और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कीजिए। इससे आपकी जो भी कर्जा है वो धीरे धीरे उतरने लगेगा। आपने ट्रेवल ट्रांसपोर्ट का कोई काम शुरू किया है, फैक्ट्री शुरू की है, नई गाड़ी ली है, तो आप वो चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से चले, तो आपको एक चमेली का दीपक लेना है, बालाजी के मंदिर में प्रज्वलित करें और वहाँ से बालाजी के पैर से संदूर ला के आप उस अपने काम वाले स्थान पे लगा दे, गाड़ी में लगा दे, इसे वो बहुत अच्छी तरह से चलेगी और कभी ख़राब नहीं होगी गाड़ी। और प्रतिदिन शाम के समय आप दीपक लगी का दीपक लगा के आप हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। Please subscribe the channel for latest video updates. Thank you. Shri Shivaya Namastubhyam. Har Har Mahadev.